कितना मजा आया हमें वहां पे। हाँ मैंने देखा, तुम तो कुछ ज्यादा इंजॉय करी थी। काफी एंजॉय करने ही तो जाते हैं हम लोग। पागल, मैं तो सिर्फ शिजा के बुलाने पे उसकी मोहब्बत में चली गई थी। भी हम वैसे कौन सा कहीं जाते हैं, तो शिजा ने बुला लिया तो हमें वहां पे कितना मजा आया। चलो मैं खुश हूँ, तुमने एंजॉय तो किया ना। अरे बेटा, कब तक यूं नाराज बैठी रहोगी? मुझे आप लोगों से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी अम्मी नहीं है ना यहाँ, इतनी दूर लाहौर में बैठी हुई है, इसलिए आप लोगों ने मुझे गैर समझ लिया। अरे बेटा, खुदा गवाह है, अपनी नरगिस और आयशा से कम नहीं समझती तुमको। वो तो देख लिया मुमानी जान, उस दिन अगर मेरी नजर ना पड़ती तो मुझे तो रुखसती की बात पता चलता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि। ऐसी ही बात है, मैं भी किसी को नहीं बुलाऊंगी अपनी खुशी। बुलाना तो दूर की बात है, किसी को बताऊंगी भी नहीं। अरे बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, चलो मैं खाना लगवा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम गौर मियां। आंटी, क्या मैं नरगिस से अकेले में बात कर सकता? सब खैरियत तो है ना? नहीं कुछ खास नहीं, बस कुछ डिस्कस करना था। बात क्या है गौर मियां? जी सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम सबके सामने नहीं कर सकते गौर मियां? क्या कोई राज की बात है? बात क्या है बेटा, कुछ बताओ तो सही। अरे बचपन में साथ खेले कूदे, पले बढ़े, ऐसी कौन सी बात है जो रह गई अभी? मेरे और नरगिस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को ना मालूम। परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं। जाओ बेटा, नरगिस से बात कर। क्या बात है गौहर मियां, आज तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में तो मैं भी फंस गया, समझ में नहीं आ रहा किससे कहूं और कैसे कहूं, मगर कहना भी बहुत जरूरी है। जब कोई बात आप चाहने के बावजूद ना कह सके, उसे नहीं कहना चाहिए। कुछ बातें कहना बहुत जरूरी है। तो आपने इतना तमाशा क्यों लगाया? हम बच्चों को बड़ों से कुछ बातें छुपाने की बहुत जरूरत महसूस होती है कभी कभी, जरूरी होता है हमसे कुछ छुपाया जाए। देखिए गौर मियां, आपको जो भी कहना है आप खुल के कहें। देखो, जो बात मैं तुमसे शेयर करने लगा वो बहुत सीरियस है, मुझे मालूम है कि अगर मैं तुमसे इस बात को शेयर करूंगा तो उसकी सिवियरिटी को तुम बहुत अच्छे तरीके से समझो। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, पढ़ लो। ये खत दरअसल आयशा के लिए लिखा है। बस करें गौहर मियां, हद होती है हर बात की, आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखो ये खत, मैंने कहा ना बस कर दे और चुप कर जाए आप, अभी और इसी वक्त आप यहाँ से चले जाएं। क्या हो गया जी? मैंने कहा ना आप यहाँ से चले जाएं फौरन। अभी तक रात वाले वाके ने मुझे उलझाया हुआ है। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जिससे नरगिस इतना गुस्से में आ गई। भाई बात कोई बड़ी लगती है, अगर नरगिस का नफसियाती तजुर्बा किया जाए ना तो ऐसा ही लगता है। खुदा के लिए
आप अपने ये नफसाती तजर्बे ना किया करें। तंग आ गई हूँ मैं आपके नफसाती तजर्बों से। क्यों? वो नफसियात की जिन ढलवानों पर लुढ़क रही है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या कैफियत है। अच्छा आप बता दें वो किस कैफियत में? तुम गौर करो, एक नौजवान लड़की छुप कर अपने मुमकिन होने वाले शौहर से मिलने जाती है, आखिर क्यों? क्योंकि उसका होने वाला शौहर उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता है, राइट? फिर उसकी निगरानी के लिए एक ऐसे शख्स को उसके साथ भेज दिया जाता है जो बचपन से उसके साथ खेलता चला आ रहा है। मगर उसने ऐसी कोई बात इस लड़की से नहीं की जो अकेले में किसी नौजवान लड़की से की जा सकती है। ये क्या बकवास है? तुम गौर करो, वो नौजवान सारी रात सोचता रहा और फिर इस लड़की से अकेले में मिलने चला है। क्या मतलब? आप ये कहना चाहते हैं कि गौहर मियां और नरगिस? ऑफ कोर्स, मगर मैं ये नहीं कहना चाहता बल्कि हालात कह रहे हैं और इसी बात ने नरगिस को बर्दाश्ता खातिर कर दिया। क्या कर दिया? बर्दाश्ता खातिर। ये क्या होता है? ओ मेरे खुदा, बताएंगे नहीं आप मुझे? कैसी बहन है आप? सलमान भाई से अकेले मिलकर आ गई, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। गौहर मियां से भी आप अकेले मिलकर आ गई। चुप हो जाओ आयशा। क्यों चुप हो जाओ आप ही? आप मुझे कुछ भी नहीं बताती हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इसमें भलाई होती है आयशा। ठीक है नहीं बताए, शादी के बाद सलमान भाई खुद मुझे बता देंगे। और रही बात गौहर मियां की, तो उनसे मैं घर जाके पूछ लूंगी। तुम गौहर मियां से नहीं मिलोगी। वाह, क्यों नहीं मिलूंगी मैं? कौन रुकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम गौहर मियां से नहीं मिलोगी, बस। क्यों, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ आशा, तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? समझ गई मैं। गौहर मियां ने प्रपोज कर दिया आपको? आयशा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इनफ इज इनफ आपी, आप मुझ पे ऐसे नहीं चिल्ला सकती हैं। हद होती है आयशा, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी मैं कर रही हूँ या? आयशा प्लीज चली जाओ यहाँ से। एक्चुअली आई एम राइट, गौहर मियां ने आपको प्रपोज कर दिया है और अब आप पछता रही हैं सलमान भाई को हाँ कहकर। आशा प्लीज जाओ। मियां कहीं एक जगह टिक जाओ। एक बात बताओ, तुम इतने चुप-चुप से क्यों हो? खैरियत तो है? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। अरे बेटा तुम्हें क्या नौकरी ना मिलने की परेशानी है? बेटा इतने परेशान नहीं होते, वो अपना जुबैर भाई का बेटा है ना साथ, उससे मैंने बात की थी, वो बड़ी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। तुम ऐसे करो तुम उससे जाके मिल लो। ठीक है मिल लूंगा। बेटा ऐसे करो ना कि अभी जाके मिल लो, वो अकेला है। क्यों, उसके घर वाले कहाँ गए? बेटा वो जुबैर भाई जो हैं वो तो अपनी दुकान पे गए हैं और भाभी और उनकी जो बेटी है वो शॉपिंग करने गए हुए हैं। मियां उठ जाओ, अभी मिल लो जाके। और मियां ये रिमोट मुझे दे दो।
और वैसे भी तुम ही तो कहती हो तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है। ये तो है, वैसे मेरी नजरें भी बहुत तेज हैं। फॉर माई इंफॉर्मेशन नजरें तो लूमड़ी की तेज होती है ना। कप की भी तेज होती है, दूर से ही देख लेता हर चीज को। अच्छा, तुम क्या देख लेती हो दूर से? किसी को भी जिसकी नजरें हम पर हो। क्या मतलब? आपकी कोई हम पे मुसलसल नजरें रखा हुआ है। कौन? देखो सामने खिड़की में। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे? वो कुछ नहीं, मुझे एक गाना याद आ गया। मेरे सामने वाली तुम ना जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कर लूंगी। भाग जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कर लूंगी सारे काम। मैं अच्छा इंसान समझ। लेकिन बुरा इंसान तो मैं हूं भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। तुम खिड़की पे क्या कर रहे थे? ये अच्छा सवाल है। वो क्या है कि खिड़की तो मैंने बनवाई नहीं है, कमरे के साथ बनी बनाई मिली थी। अब अपनी खिड़की में तो खड़ा हो ही सकता हूँ। देखो, ये शरीफों का मोहल्ला, शरीफों के मोहल्ले में अपनी खिड़की से दूसरे घर में झांकना, किसी की बहू बेटी को देखना बदतमीजी थी। बेशक बदतमीजी भी होगी, लेकिन मैं तो ताजा हवा के झोंके के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ ना। अजी, उसमें तो कोई बुराई नहीं। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ नरगिस को देखते हुए देखा। नरगिस को तो आप भी देख रहे थे, लेकिन मैंने तो आपकी नियत पर कोई शक नहीं किया। अब क्या है कि आप भी मेरे पोर्शन में खड़े हैं, बिना इजाजत खड़े हैं। बदतमीजी भी तो ये भी है ना सर। चाय पियेंगे? अरे कहाँ चल दिए सर? आपने क्या बताया भाभी ने उपचार के बारे में? कुछ खास नहीं, वहां तो सिचुएशन ही बिल्कुल बदली हुई थी। इस मौजू पे कोई बात ही नहीं हुई। गजब खुदा का, वैसे बड़ी अजीब लोग हैं। ना किसी से कुछ पूछा, ना मशवरा किया, उठा के बेटी घरों में दे दी। अजीब लोग हैं। इसमें अजीब क्या चीज है? अच्छा भला लड़का है, अपना बिजनेस है, पैसे वाला है, बुराई क्या है इसमें? बुराई लड़के में नहीं, आपके भाई भाभी में। वैसे एक बात बताओ, ऊपर से तो बड़ी मीठी बनती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी तरक्की से जलती हैं, खुद तो अमीर हो नहीं सकी, अमीर दामाद फांस लिया भाई, वाह। लेकिन देख लेना
मुंह की खाएंगी। अच्छा खैर वकार कब आ रहा है? बड़े घर का लड़का है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है शादी। मखमल में टाट का बैहन लगाने चली है भाभी तो। अच्छा भाई अब तुम उनके दामाद को टाट तो मत बोलो। मेरी बोलती है जूती। मैं सलमान को टाट नहीं बोल रही, नरगिस को बोल रही हूँ। अरे कंट्रोल रखो बेगम, हमारी निगत ने भी उसी घर में जाना है। मेरी निगत वहां नहीं रहने वाली और ना मैं उसे रहने दूंगी। शादी की पहली शर्त ही ये होगी कि वो दोनों हमारे साथ इसी सोसाइटी में आकर रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी। वकार मान जाएगा? कैसे नहीं मानेगा, आप नहीं मान गए थे। अम्मा तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? गौर मियां से तुम्हारा नाकाबिले फहम रवैया। गौर मियां में कोई खराबी, कोई ऐसी गलत बात आज तक देखने में भी नहीं आई। तो फिर अम्मी मुझमें कोई टेढ़ी बात होगी। गौर मियां ने तुमसे कोई ऐसी बात की जो उनको नहीं करना चाहिए थी और तुम हमें बता नहीं सकती? हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब वसवसे आ रहे हैं दिल में, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। अम्मी आयशा कहाँ? वो तो शीजा की तरफ गई है। क्या? अम्मी आप ये रोटी देखें, मैं आती हूँ। जो खत मैंने दिया था नरगिस को पढ़ने, दरअसल बात ये। आयशा जी, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गौर मियां का कोई काम था मुझसे, इसलिए। सारी तकलीफें तो हमें हैं, आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है। खातून क्या हुआ, सैलाब आ गया क्या? गौर मियां और आपके दरमियान ऐसा क्या है जो आप अपनी बहन से शेयर नहीं करना चाहती हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ आयशा, कर क्या रही हूँ मैं? किसको धोखा दे रही हैं, गौहर मियां, सलमान या अपने आप को?